हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको फ्यूल मीटर की प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। और ये स्प्लेंडर है मेरे पास और इसको मैं पूरा आपको बताऊंगा। जो टैंकी के नीचे सेंसर लगा होता है उसको भी खोल के बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको पूरी देखिए। और किसी भी बाइक में अगर फ्यूल मीटर की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको देख सकते हैं वीडियो को, और इसे वीडियो को देख के आप उस प्रॉब्लम का आपको सलूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस टंकी को उठाना पड़ेगा, और टंकी को उठाने के लिए आपको सबसे पहले जो सीट है उसको खोलना पड़ेगा। तो सीट आपकी बाइक की जैसी भी है, आप उसको खोल लीजिए पहले, और उसके बाद टंकी के नीचे जो नट से मोटर रहती है टंकी, उसको खोल के आप इस टंकी को उठा लेंगे। और ये बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको फॉरवर्ड करके फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब कुछ नट वगैरह खोलने के बाद टंकी के, मैं अभी टंकी को उठाऊंगा। और टंकी को उठाते वक्त जो ऐसे वायर लगी होती है टंकी से, और उसको आपको निकालना है ध्यान से, और साथ में जो पेट्रोल वाली होती है पाइप उसको भी आपको हटा देना है। तो पेट्रोल वाली तो मैंने पहले हटा दी थी, अभी इसको मैं हटा दूँगा और टंकी को मैं उठा के एक साइड में कर देता हूँ। तो भाई, जो टंकी के नीचे ऐसे ये वायर जो माउंट हुई रहती है, इसमें दो वायरें होती हैं, तो आपको इनको आपस में शॉर्ट करना है, मिलाना है आपस में। तो एक ऐसे छोटी वायर आपको लेकर इसको मिलाना है और फिर देखना है कि फ्यूल मीटर आपका काम करता है या नहीं। तो चलिए अभी देखते हैं हम। तो मेरे केस में मेरा मीटर जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये फुल तक चला जाएगा। आप देखिए, अगर आपका मीटर फुल तक नहीं जाता, बीच में रुका रहता है, तब भी आपका जो मीटर है वो ख़राब है, या फिर आपकी जो वायरिंग है, अगर जो सुई नहीं उठती यहाँ पर, तो आपकी जो वायरिंग होती है जो कि मीटर से टंकी तक पहुँचती है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वायर कोई आपकी ख़राब नहीं है, तो मीटर अगर आपका ख़राब है, तो आप कबाड़ी वाले से कोई भी पुराना मीटर आप खरीद सकते हैं किसी भी बाइक का, क्योंकि बीच में जो मीटर होता है वो सेम होता है हर बाइक का। और अगर मीटर वगैरह सब सही है, जैसे कि मेरा सही है, तो अभी हम टंकी के जो नीचे सेंसर लगा होता है उसके ऊपर आते हैं। तो ये इस केस में, मेरे केस में जो है, इसमें 10 नंबर के बोर्ड लगे हुए हैं इसके चारों ओर। तो मैं इनको खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या कैसे काम करता है ये सेंसर। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो देखिए गाइस, अब मैंने इसके चारों जो बोल्ट है इसको निकाल दिया है। अभी मैं आपको इसको निकाल के बताता हूँ ये इसका क्या काम होता है। तो भाई, ये जो सेंसर है इसको हम फ्यूल फ्लोट भी बोल देते हैं, और कभी कभी हम इसको फ्यूल गेज भी बोल देते हैं। तो इसको मैं अभी दिखाता हूँ ये कैसे काम कैसे करता है। तो एक्चुअली ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, जो कि ऐसे अप डाउन होकर ऐसे काम करता है। तो जैसे ये फ्लोट लगी हुई है, इसके साथ में जो प्लास्टिक का एक बबल सा है, तो जब हम इस टंकी में पेट्रोल डालेंगे तो ये पेट्रोल के ऊपर तैरता है, जिसकी वजह से ये अप डाउन होता है। तो जितना पेट्रोल होता है उतना ये अप होता है, जितना कम होता है पेट्रोल उतना ये डाउन होता है। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। इसको मैंने अभी इसके साथ अभी मैं लगाऊंगा, जो मैंने टंकी के जो आपको बताया था वायर होती है जो टंकी के नीचे, उसके साथ इसको पहले मैं अटैच करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको चेक करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे लगा दिया है, अभी जैसे कि ये टंकी ऐसे होती है, तो मैं इस सेम ऐसे ही इसको रहने दूंगा, और इस फ्लोट को अप डाउन करके देखूंगा कि जो हमारा मीटर है, फ्यूल मीटर है, वो काम करता है या नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये देखिए आप पॉइंट देख रहे हैं, जैसे कि फ्लोट हिलती है ऐसे अप डाउन होती है, तो ये पॉइंट एक दूसरे के साथ जैसे कनेक्ट होते हैं तभी जो काम करता है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे मैं रख देता हूँ जैसे कि टंकी होती है, तो एक साइड में रख के फिर मैं आपको इग्निशन ऑन करके फिर बताता हूँ। तो ये देखिए मैंने अभी रख दिया है, अब मैंने चाबी को ऑन किया है, तो आप देख सकते हैं ये मीटर अभी डाउन पर है, क्योंकि फ्लोट अभी नीचे है। तो मैं अभी थोड़ा सा उठाऊँगा फ्लोट को, फिर देखेंगे हम कि इसका जो सुई है वो ऊपर आती है या नहीं। तो ये देखिए मैंने इसको उठाया था थोड़ा सा, और ये सुई है ऊपर आई। अब मैं थोड़ा और उठाता हूँ तो देखते हैं, ये देखिए ये आगे बढ़ चुकी है। अब मैं पूरा इसको उठा दूंगा, ये देखिए, और अभी ये आपकी जो सुई है जो फ्यूल मीटर वाली, ये पूरी फुल तक जानी चाहिए। तो अभी देखते हैं ये फुल तक जाती है नहीं। तो ये देखिए ये फुल तक अभी जा रही है। तो गाइस, अगर आपका ये सेंसर जो है, जो फ्यूल गेज है, इसको अगर ये अटकता है बीच में ऐसे फ्लोट, तो आपको इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए इसकी कॉस्ट 350 के आसपास रहेगी। तो इसको चेंज करके आप अपने फ्यूल मीटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो गाइस इसको जब वापस लगाना तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये एक रबर होती है तो ये रबर की सील आपको चेक करनी है। अगर ये आप नहीं चेक करते तो आपका जो पेट्रोल है यहाँ से लीक हो सकता है, तो कभी भी आप इसको चेंज करें तो ये रबर की सील को ज़रूर चेक कीजिए। तो गाइस इस तरह से अगर किसी भी बाइक में ऐसे फ्यूल मीटर की प्रॉब्लम आती है तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपकी बाइक में डिजिटल मीटर है तब भी यही प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ उसका जो मीटर है वो डिजिटल रहता है। तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो अगर ये मीटर ख़राब होता है ऐसे एनालॉग तो आपको आसानी से मिल जाता है कबाड़ी वाले के पास, कोई भी आप मीटर का लगा सकते हैं। और अगर डिजिटल मीटर आपका ख़राब होता है तब आपको जो मीटर है वो परचेज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।